इसके बाहर किसकी सरकार और इस खास कार्यक्रम के तहत द न्यूज पोस्ट की टीम इस वक्त लागला मोड़ पर मौजूद है। यहाँ पर आई हम आप पब्लिक से बातचीत करते हैं, जानते हैं इनकी राय चुनाव को लेकर क्या है, यहाँ पे लोगों का मिजाज आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? सबसे पहली बात मैम, थोड़ा सा आपसे असहमत होना चाहिए। पहला सवाल यह नहीं होना चाहिए था किसकी सरकार आ रही है, पहला सवाल आपका ये होना चाहिए था कि किन मुद्दों पर आप सरकार को चुन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पिछले 15 वर्षों से जिस सांसद को हम लोगों ने चुन कर रखा है, उन्होंने कभी भी बुनियादी बातों पर कभी गौर नहीं किया है। सबसे पहली बात देख लें, जो धनबाद लोकसभा का जो क्षेत्र है वो सिर्फ ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है या फिर शहरों से आता है, यह नहीं है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज भी बुनियादी सुविधाओं की बहुत कमी है। आज भी आप चंदन क्यारी चले जाएंगे, वहाँ पर प्लस टू के बाद कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। आज भी एक कंपनी है इलेक्ट्रोस्टील, वहाँ पर लोग कमाने के लिए जाते हैं, सिर्फ 8,000-9,000 रुपया पैसा मिलता है और उस पर वो अपनी आजीविका जो है वो चलाते हैं। आज भी अगर आप गाँव का दौरा करेंगे आपको पता चलेगा कि पानी के लिए आज भी वो चापाकल की ओर जाते हैं। पर कहते हैं ना कि दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि रहनुमाओं के अदा पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो हम सत्ताधीशों के रहनुमाई पे इतने फिक्रमंद हो चले हैं कि हम बुनियादी मुद्दों पर सवाल नहीं करते हैं और ये सबसे बड़ी परेशानी है। आज लोग कहते हैं कि पीएन सिंह जो है वो बुरा मान गए हैं, क्यों? क्योंकि वो जिस जाति से आते हैं उस जाति के लोगों ने वोट नहीं किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पिछले 15 वर्षों से सभी जातियों के लोगों ने एक जाति को वोट किया और आज जब चुनाव की बारी आई है, मुद्दों की बारी आई है, वो कहते हैं कि उनके जाति को जो है उपेक्षा की गई है। मैं खुद एक स्कूल में पढ़ाता हूँ बच्चों को, सोशल साइंस का टीचर हूँ, इस बात को लेकर बहुत हैरानी होती है कि यहाँ के लोग जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, जो मतों का प्रयोग है, वो बस इसलिए कर देते हैं कि बाकी कोई कर रहे हैं या फिर वो इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं कि वोट करें या ना करें। तो पहला तो उत्तर यही है, बस दूसरा सवाल आप कर सकते हैं। आपके हिसाब से क्या लगता है कि कैसी सरकार होनी चाहिए, आखिर क्यों आखिर पिछले 3 बार से लगातार पीएन सिंह को अगर चुना जा रहा है, इस बार तो प्रत्याशी के रूप में भी, इस बार दो प्रत्याशी, इन दो प्रत्याशी में क्या लगता है कि कौन इस बार अपनी सरकार बना पाएगा? देखिए, अगर किसी पार्टी की तरफ झुकाव ना रख करके अगर इस बात को कहा जाए तो एक बात तो है, जो झारखंड जिन उद्देश्यों के लिए झारखंड का निर्माण हुआ, इस बात को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप आज भी पता करेंगे तो कल्चरल एस्पेक्ट एक था, सांस्कृतिक कारण, दूसरा कारण था यहाँ के लोगों का विकास कम था। लेकिन दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे बाहर के हैं जो बहुत वर्षों से रह रहे हैं, आप उनको भी ये कहकर खारिज नहीं कर सकते हैं कि बस आप यहाँ से चले जाओ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दा बाहरी भीतरी भी है, मुद्दा जो है भाषाई आधार पर भी है, लेकिन सच तो ये है कि वोटर्स जो है एक तरफ नहीं है, वोटर्स कांग्रेस की तरफ भी हैं, वोटर्स बीजेपी की तरफ भी हैं। केंद्र में क्या लग रहा है, किसकी सरकार आएगी? वही मोदी सरकार। देखिए, वे भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अभी भी लोगों का झुकाव उस तरफ है, केंद्र तरफ अभी भी झुकाव है। और लोगों से हम बातचीत करते जानते हैं उनकी राय, आप बताइए क्या लग रहा है कि इस बार किसकी सरकार आ रही है? जी सरकार वो तो जनता तय करेगी, अभी नहीं, लेकिन सरकार आएगी। कैसी सरकार आनी चाहिए आपके हिसाब से? आप युवा हैं, क्या देखना चाहेंगे आप, कैसी सरकार है जो युवाओं के लिए काम करे? सरकार ऐसी आनी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार मिले, लोगों का, झारखंड वासियों का दुख दर्द को समझे। अभी मौजूदा सरकार से संतुष्ट है या नहीं? जी मौजूदा सरकार झारखंड में तो सही नहीं लग रहा है, मौजूदा सरकार ने भी ठगी का काम किया है और विगत कुछ वर्षों से भी यही हो रहा है, बराबर झारखंड को ठगा गया है। तो क्या लगता है कि इस बार बदलाव ज़रूरी है? जी बदलाव तो ज़रूरी है, लेकिन उसी के आधार पर जनता तय करेगी किसकी सरकार। जनता तय करेगी, आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए कि कैसी सरकार आप चाहते हैं? सरकार अच्छा हो, युवा को रोजगार मिले, देश को विकसित मिले, देश विकासशील हो, यही सरकार चाहिए। अभी अगर हम मुद्दों पे बात करें तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट देने जाइएगा? ऐसे तो मुद्दा बहुत सारा है, कितना गिना है? आप युवा है, युवाओं के तौर पर, आप एक युवा के तौर पर, एक युवा के नज़र से बताइए। युवा को ठीक है, जो काम करेगा काम मिलेगा, मगर कुछ जो सुविधा बुनियादी सुविधा है वो युवा के लिए अभी बहुत कम है। युवाओं के लिए काम करने वाला नेता चाहिए। हाँ और लोग से बातचीत करते हैं, आप बताइए। हम तो मोदी सरकार ही है। क्यों पसंद है आपको मोदी सरकार? बढ़िया लगता है, राम मंदिर बनाया है 500 साल का, वही हम लोग वही चलते हैं, तब अभी सब मिलते करता है तो किसको कौन नहीं मिलता है? वो जितना भूल के आए राम मंदिर बनाया है, किसको नहीं मिलता है? मुस्लिम को नहीं मिलता है, ना हिंदू को नहीं मिलता है, सबको तो मिलता है। भूल के आए बाबा राम मंदिर बनाया है, इसी चलते थोड़ा कांग्रेस जाग के उठा है, एक बार तो मरा था फिर आया है, तो ये फिर मरेगा, यही हम बोल रहे हैं। आप बताइए किसको वोट दीजिएगा, क्या सोचकर वोट दीजिएगा?
हम तो बोल बीजेपी के, हम लोग बीजेपी है, खुश हैं आप? महंगाई को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हम लोग महंगाई जो होगा तो होना ही होगा। हम लोग सनातन धर्म का नियम जो है अभी बढ़िया चल रहा है भाजपा में, मोदी में, और ये जो पहले चल रहा था वो तो बहुत अत्याचार चल रहा था, ये भी तो हाल ही में ठीक चल रहा है। अब वोट में क्या लोग राजनीति में है समय बोला नहीं जा रहा है, लेकिन हम लोग मोदी को ही वोट देंगे और मोदी पसंद है सबको, मोदी पसंद है। आप बताइए महंगाई को लेकर आप कुछ कह रहे हैं? देखिए महंगाई तो बढ़ेगा ही, कहे किस लिए नहीं बढ़ेगा, कारण है जनसंख्या बढ़ेगा तो महंगाई बढ़ेगी, जहाँ पर जरूरत बढ़ा वहीं पर सामान का दाम बढ़ना तय है। पहले हर घर में 2-3-5 साइकिल रहते था, अभी हर एक घर में जाइए आपको 5-5, 7-7 बाइक मिलेगा, तो तेल का दाम ऑटोमेटिक बढ़ेगा, यही है महंगाई और क्या। मतलब जैसे जैसे यूज़ बढ़ रहा है कीमत बढ़ी है ना? हाँ, कीमत बढ़ेगा, पेमेंट भी तो बढ़ रहा है, पहले 16 रुपये में आदमी खट रहा था, अभी 300 रुपया मजदूरी मिल रहा है, तो सामान का भी तो दाम बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताइए। बिल्कुल, तो बस वही आएगा हम लोग मोदी सरकार। मोदी सरकार ही चाहिए, क्यों पसंद है मोदी सरकार? अभी वही जो बना है राम मंदिर बना है, अभी चावल देता है, ये देता है, सब कुछ हर फैसिलिटी है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने लोगों से बातचीत की, काफी अलग अलग लोगों की मिली जुली प्रक्रिया मिली है। कुछ लोगों का कहना है कि बदलाव जरूरी है, साफ तौर पर ये भी कहना है कि 3 बार जो सांसद रहे पीएन सिंह, उन्होंने कभी यहाँ पर कुछ कार्य नहीं किया, युवाओं के लिए वैसा एक्टिव नहीं रहे वो। हालांकि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मोदी लहर है, महंगाई बढ़ी उसके बावजूद भी उन्हें मोदी पसंद है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा कि क्या कुछ जनता फैसला करती है, किसकी सरकार बनती है। लेकिन हम लगातार द न्यूज़ पोस्ट की टीम अलग अलग जगहों पर जाकर आम पब्लिक से बातचीत करके उनके मुद्दों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे बातचीत करके जानने का ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट देते हैं और कैसी सरकार आखिर हमारे देश के लोग चाहते हैं। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।